स्वागत है आप सबका जिम्बाब्वे टूर ऑफ श्रीलंका के अंदर। ये पहला ओडीआई मैच है जो खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो पे। मैच टाइमिंग है दोपहर के 2:30 बजे। तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे सीरीज देखने को मिलेगी और पहली बार श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप के बाद खेलेगी। और आपको पता होगा कुछ मसला हुआ था इनका आईसीसी के साथ, जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, इस वजह से जो फंडिंग है आईसीसी ने श्रीलंका की रोक दी है। तो ये अब खुद के फंडिंग से टूर करेगी अलग अलग देशों के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है सीरीज के अंदर। सबसे पहले देखते हैं इसका फिक्स्चर। तो आप देखेंगे इस जिम्बाब्वे टूर ऑफ श्रीलंका के अंदर आपको पहले तो 3 ODI मैच देखने को मिलेंगे, फिर 3 T20 मैचेस देखने को मिलेंगे। सारे के सारे मैचेस एक ही वेन्यू के ऊपर है, RPS स्टेडियम कोलंबो पे। तो आप देखो जो पहला ODI जो भी हम कवर कर रहे हैं 6 तारीख को है दोपहर के 2:30 बजे, फिर 8 तारीख को होगा और तीसरा और अंतिम ODI 11 तारीख को खेला जाएगा। फिर 2-3 दिन के ब्रेक के बाद 14 जनवरी को पहला मैच है T20 का शाम को 7 बजे, फिर 16 तारीख को होगा और तीसरा और अंतिम मैच इस सीरीज का होगा 18 जनवरी को। तो सारे के सारे मैचेस की आपको कवरेज इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। आपको करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो में टोटल 77 स्लाइड्स है जो आपको हेल्प करेगी बेहतर टीम बनाने के अंदर। सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे। इस वेन्यू के ऊपर हमने एशिया कप देखा था, तो यहाँ पर किस तरह से ट्रैक बिहेव करता है, कितनी स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, विकेट कॉलम कैसा रहता है, स्कोरिंग पैटर्न कैसा रहता है आपको बताऊंगा, डायमेंशंस क्या है। फिर हर एक प्लेयर के हेड टू हेड नंबर्स देखेंगे, वेन्यू नंबर्स, प्लेयर का फॉर्म और आखिरी के अंदर मैचअप्स, किस बॉलर ने किस बैटर को कितनी बार आउट किया जानना जरूरी है। और आपको टेक्टिकल डेटा भी बताऊंगा कि टीम्स लेफ्ट आर्म पेसर को कैसा खेली है सिंस 2021 इन ODI। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आपको बयां करने के लिए, तो पूरा वीडियो देखना आपको मजा आ जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फ़ायदा है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, सेम फॉर द व्हाट्सएप चैनल। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। RPS इसका शॉर्ट फॉर्म है, बोलते हैं इसको आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो है। खूबसूरत ग्राउंड आप देख सकते हैं, ये फोटो छोटी सी बनी हुई है। तो आप देखिए इस वेन्यू के ऊपर लास्ट टाइम ODI का मैच हुआ था एशिया कप का फाइनल, जिसमें सिराज भाई आए थे और कमाल का स्पेल डाल के गए थे। आपको याद हो अभी रिसेंटली प्लेयर ऑफ द मैच मिला इनको, जो अपना केपटाउन के ऊपर मैच था दूसरा टेस्ट मैच, तो उन्हीं की चर्चा चल रही है। तो आप देखो 17 सितंबर को यहाँ पे एशिया कप का फाइनल हुआ, इंडिया श्रीलंका का मैच था, उसमें 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था श्रीलंका को और टीम इंडिया मात्र 7 ओवर के अंदर 37 बॉल के अंदर टारगेट चेस कर गई। फिर इसे एक और पहले पिछला मैच हुआ जिसके अंदर बांग्लादेश ने अगेंस्ट इंडिया 265 बनाए 10 विकेट गंवा के, टीम इंडिया चेस करने आती है और 6-7 रन से पीछे रह जाती है। वो बहुत बड़ी जीत थी बांग्लादेश के लिए, सेलिब्रेशन हुआ था उनके देश के अंदर और इंडिया की तरफ से बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया था। तिलक वर्मा खेल रहे थे उसके अंदर और भी नए लड़के खेल रहे थे। फिर से पहले 252 बना 7 विकेट गंवा के 42 ओवर का मैच हुआ और जो टीम चेस करने आती है वो भी 252 बनाती है। 213 बना जो टीम चेस करने आई 172 पे रुक जाती है, 356 बना और जो टीम चेस करने आती है 128 पे रुक जाती है, 257 बना और जो टीम चेस करने आती है 236 पे ऑल आउट हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब सिंपल है, इस वेन्यू के ऊपर आपको एक हाई स्कोरिंग की तरह नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे 350-300 बन रहे हो, ये वेन्यू के ऊपर 260 भी एक कॉम्पिटिटिव स्कोर है, ठीक है। तो अब देखिए इस वेन्यू पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए 12 में से 8 मैचेस जीते गए बैटिंग फर्स्ट में, तो एडवांटेज मिलता है। और श्रीलंका इस वेन्यू के ऊपर 22 में से 13 मैच जीती है, जिम्बाब्वे इस वेन्यू के ऊपर पहली बार खेलने वाली है। श्रीलंका का होम ग्राउंड और जो लास्ट मैच था इंडिया श्रीलंका का, उस मैच में देखो क्या हुआ था, 10 विकेट पेसर्स ने निकाला था पहली पारी के अंदर, याद होगा आपको सारे के सारे विकेट्स, और स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं मिला था। ओवरऑल विकेट कॉलम आपको क्या कहता है, लास्ट 12 मुकाबलों के अंदर इस वेन्यू के ऊपर पेसर्स ने 87 विकेट्स निकाला है, पहली पारी के अंदर 52, दूसरी पारी के अंदर 35। तो पहली पारी के अंदर यहाँ पे पेसर्स को हल्का सा एडवांटेज मिला है और दूसरी पारी में इतनी हेल्प नहीं मिलती जितनी हम देखते हैं अदर वेन्यूज के ऊपर। राइट आर्म पेसर का 74, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 13 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे 95 विकेट्स निकाले हैं, पहली पारी में 44, दूसरी पारी के अंदर 51। ऑफ स्पिनर्स का 34, लेग स्पिनर्स का 6, चाइनामैन का 13, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 32 विकेट है। तो इस वेन्यू के ऊपर स्पिन गेम में आती है। और जब मैं यहाँ पे एशिया कप देख रहा था तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी, पावर प्ले में बैटिंग करना इजी होता है ओपनर्स के लिए, उसके बाद जो फेस चालू होता है स्पेशली 15 ओवर से लेकर 30 ओवर तक वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, उसमें विकेट्स गिरते हैं, कई बार कोलैप्स होते हैं, बहुत बार देखा भी गया है। तो जो 15 से 30 ओवर का टाइम फेस होता है वो इस वेन्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है।
ये पिच देख सकते हैं, एशिया कप के फाइनल की पिच की फोटो है, ऐसी पिच दिखी थी उस टाइम पे। अलग अलग पिचेस होती है एक स्टेडियम में, आपको पता है एक पिच तो होती नहीं है, 8-9 पिचेस होती हैं स्क्वायर के अंदर। तो देखो लास्ट मैच में ऐसी पिच थी, और जब थोड़ी सी बेटर पिच होती है तो उस पिच पे आपको थोड़ी सी चमक दिखती है, एक सफ़ेद वाइटिश कलर दिखता है। ये देखो आप, ये पिच देखो, ये बहुत बेटर पिच है रन के लिए, देख सकते हो आप। और जो लास्ट टाइम एशिया कप का मैच हो तो थोड़ी सी आपको अजीब पिच देखने को मिलेगी, जिस पर हल्का सा मॉइस्चर था, तो बारिश का टाइम भी था, आपको बता हुआ कोलंबो के ऊपर। डायमेंशंस सामने की बाउंड्री 84 मीटर होती है, स्क्वायर बाउंड्रीज आपको यहाँ पे 70 मीटर की देखने को मिलती है। और बाउंस डिफरेंस देखें, श्रीलंका में दो वेन्यूज पे बहुत मैचेस होते हैं, कैंडी या कोलंबो, तो कैंडी की जो बाउंस है ना वो थोड़ा सा नीचे रहता है, कोलंबो का ठीक ठाक रहता है, ये देखा गया आमतौर पर। और ये स्टेडियम का व्यू है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है, ये देख सकते हैं आप क्या व्यू आता है। ये स्टेडियम है ना, इसके जस्ट सामने एक व्यू आता है ऐसा, इसको कोलंबो टावर कुछ कहते हैं, अच्छे से मेरे को नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना है इसके बारे में, आप प्लेयर्स फोटोशूट के लिए जाते हैं जब भी कोलंबो में कोई सीरीज होती है, तो इसके लिए बहुत फेमस है स्टेडियम। ये देखो आप क्या अभी और आते हैं, स्पेशल पिच रिपोर्ट है फ्रॉम द आरपीएस स्टेडियम कोलंबो, कैसी लगी कमेंट करके बताना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। टीम न्यूज की बात करते हैं, कुशाल मेंडिस परमानेंट कैप्टन बन चुके हैं ओडीआई फॉर्मेट के, एंजेलो मैथ्यूस, दिमत कुरत ने, कुशाल परेरा, डीडी सिल्वा, दुषन हेमंता, पतिराना, लेरू कुमार, रचिता को ड्रॉप कर दिया गया है। अभिषेक फर्नांडो, असुरंगा, अकीला धनंजय, जेफरी वंडर से वापसी कर रहे हैं, बट असुरंगा पहले दो मैचेस मिस करने वाले जितनी न्यूज आई है। क्रेग इरविन वापसी और कर रहे हैं, कप्तानी करेंगे। शॉन विलियम्स, विराट इवांस रूल्ड आउट है। टपिवा मुफुडजू मिडन कॉल अप मिला है। वैश्ले मदरवे को सस्पेंड किया है एंटी डोपिंग की वजह से। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 5 मैचेस खेले हैं, 4 जीती हैं यहाँ पर श्रीलंका, 1 जिम्बाब्वे जीती है। मैं पिछले 5 मैचेस की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। प्रथम निशांक को ओपन करेंगे अभिषेक फर्नांडो के साथ, मेंडिस वन डाउन है, कप्तान इस टीम के कीपिंग करेंगे, सदीरा 2 डाउन है, आशा लंका, दर्शन शना का, सान अर्चिंगे, ये एक पोजीशन मेरे को थोड़ी डाउटफुल लगती है, यहाँ पर ये टीम एक प्रॉपर बैटर को भी खिला सकती है, बट वो खिलाएगी क्या, क्योंकि इनका टॉप 4 तो पहले पैक है, टॉप 5 पैक ऐसे मान के चलो आप, तो नंबर 6 या नंबर 7 की पोजीशन पे मेरे को डाउट लग रहा है। शना का तो रहेंगे ही, दुनत वेलालगे, दुष्मंता चमीरा, महेश सिक्सेना, दिलशन मधुशंका, गजब के गेंदबाज है, वर्ल्ड कप के चैंपियन थे, सबको याद होगा। जेफरी वंडर से डिजर्व करता है खेलना, बट देखते हैं। जिम्बाब्वे क्रेग इरविन कप्तान ओपन करेगा जोएल आर्ट गुम्बिया के साथ, और फिर यहाँ पे आपको कठिनो दिख जाएंगे, सिकंदर राजा, रियान बुरेल, क्लिव मडांडे, फराज आक्रम भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लुक्जोंगवे, विलिंगटन मजाकार्ज़ा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, रिचर्ड निगरावा भाई चैंपियन बॉलर है, मुजरबानी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। चलते हैं प्लेयर के स्टार्ट की तरफ। प्रथम निशांका ने 4 मैचेस खेले हैं टुडे के अंदर, 250 के आसपास रन्स है। ये दोनों टीम्स ने जो ICC मेंस वर्ल्ड कप का क्वालिफायर हुआ था जिम्बाब्वे में, ठीक है, उसके अंदर ये भाई ने उस फाइनल में शतक बनाया था, 101 किया था चेस करते हुए। वैसे इसके नंबर्स बहुत प्यारे रहे, बैटिंग फर्स्ट 55, चेस के ऊपर 75, 16, 101, ओवरऑल ODI फॉर्मेट बैटिंग फर्स्ट 28, चेस के ऊपर 55 की औसत है। बात करते हैं इस भाई के वेन्यू नंबर्स की, 11 मैच में 273 रन है, एक शतक है इस वेन्यू के ऊपर 11 इनिंग्स में, हाईएस्ट 137 है, तो ये सिर्फ एक बार चला है यहाँ पे इस वेन्यू पे, ये थोड़ा शॉकिंग नंबर्स है। फॉर्म इसका बहुत प्यारा था वर्ल्ड कप में, 73 नंबर, 16, 135, 25, वर्ल्ड कप में पिच बहुत अच्छी होती है यार इंडिया के अंदर, आप भी जानते हैं। अभिषेक फर्नांडो 21 मैच 37 की औसत है, 782 रन है इस वेन्यू के ऊपर, 2 शतक, 5 अर्धशतक, 21 इनिंग्स में, क्लास प्लेयर है ये, हेड टू हेड नहीं खेला। फॉर्म 30-3-1-40 शतक, 42-56-5-2, हाईली रेटेड प्लेयर है, सब कहते हैं भाई टीम के अंदर रेगुलर क्यों नहीं खेलता। कुशाल मेंडिस 14 मैच में 314 रन, 31 की औसत, 250 है, कीपिंग करते हैं तो 11 कैचेस ने पकड़े हैं बिहाइंड द विकेट्स और 3 स्टंपिंग करी है। बैटिंग फर्स्ट 4 मैच में 123 रन है, चेस के ऊपर 9 मैच में 191 रन है। इनकी खासियत रहती है हमेशा बैटिंग फर्स्ट में बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे रिदम में रहते हैं, और ये साल पिछला साल इनके नाम रहा था। 17 मैचेस मैदान पे 700 रन है, 46 की औसत है, 7-15-17 इनिंग्स में कन्वर्जन रेट अच्छा रहा है, 13 कैच, 1 स्टंपिंग इस वेन्यू पे रही है। रिसेंट फॉर्म देखेंगे आप इस भाई का तो देखें, 0-15-13-32 रन, 2 विकेट। जी हाँ, इस भाई ने बॉलिंग करी थी, मेरे सामने अभी डेटा रखी हुई, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ क्या स्पेल रहा था भाई का उस मैच के अंदर। तो आप देखेंगे भाई ने सिर्फ 1.1 ओवर डाला था और 2 विकेट निकाले थे कुशाल मेंडिस ने, ठीक है, वो थी मेजर क्लब लिमिटेड इन श्रीलंका क्रिकेट, क्लब मैचेस होते हैं उसके अंदर जाके, 25, 19,
32 इस तरह से इसका फॉर्म रहा था। देखते हैं क्या कर पाता, सुपरस्टार प्लेयर है ये सदीरा। 45 की औसत है, 21 मैच में 900 रन है, 2 शतक 7 अर्धशतक 21 इनिंग्स में। इस भाई ये भी बहुत प्यारे आंकड़े हैं। हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर बता दिया फॉर्म 17-6-3-1-41-0-36-65 नाबाद। क्लासिकल बैटर है जिनका टच है वो देखने लायक होता है। 4.10 लाख का 4 मैच 146 रन है, बैटिंग फर्स्ट 52, चेस के ऊपर 71-23 है। इस वेन्यू पे 20 मैच में 650 रन है, 39 की औसत, 1 शतक 3 अर्धशतक 20 इनिंग्स में। चेस पे ना बहुत डेंजरस होते हैं श्रीलंका, ये देखा गया है। रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है, 11 रन 4 विकेट 16 रन 1 विकेट 64 रन 2 विकेट 39 रन 4 विकेट, ये सब इनके क्लब मैचेस में आए थे रिसेंटली। दर्शन सोनाका 6 मैचेस में 127 रन, बैटिंग फर्स्ट 15, चेस के ऊपर 10, नाबाद 102। ये भी चेस पे बहुत बुरा मारता है। वेन्यू के ऊपर 32 मैच खेला है, एक भी 50 नहीं है। 31 इनिंग्स के अंदर 577 रन से 22 विकेट हैं। फॉर्म 1 रन 0 विकेट 0 रन 2 विकेट 28 रन 2 विकेट 76 रन 53 नाबाद 68 नाबाद। अच्छे क्रिकेटर है ये भी। सान अर्चंगे 5 मैचेस में 136 रन 4 विकेटें हैं, 150 है 4 इनिंग्स में। फॉर्म 30 रन 0 विकेट 46 रन 3 विकेट 0 रन 0 विकेट 40 रन 0 विकेट है। दुनत वलालगे हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 10 मैचेस में 17 विकेटें 112 रन है। बहुत अच्छे गेंदबाज है, प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे मेरे लिए, यंगस्टर है। फॉर्म 21 रन 3 विकेट 34 रन 1 विकेट 0 रन 0 विकेट 51 रन 1 विकेट 13 रन 2 विकेट, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको वैल्यू देके जाने की कोशिश करेगा। चमीरा के एटपुट नंबर थोड़े शॉकिंग लगे, 7 मैच में सिर्फ 3 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 4 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड 3 मैच में 3 विकेट है, 5 बार विकेट लेस गया है। इस वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 12 विकेट हैं, बल्ले से 59 रन है। फॉर्म 2-2-1-0-1-0-0-1-0-0-4-2-0-0 विकेट निकाले इसने। महेश दीक्षिणा 4 मैचेस में 6 विकेटें हैं, अच्छे स्पिनर है। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 5, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 1। इस वेन्यू के ऊपर 7 मैचेस में 12 विकेट है। फॉर्म की बात करें, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 12 रन 2 विकेट 38 रन 1 विकेट, बैटिंग भी करना जानते हैं थोड़ी बहुत ये। मधुशंका या देखिए आप, 1 मैच में 3 विकेट्स है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। फॉर्म 0-3-1, वर्ल्ड कप के हाइस्ट विकेट टेकर थे वो, देख लो आप, आफ्टर द सेंसेशनल शामी। 15 मैच में 31 विकेट्स ओडीआई के अंदर, और बहुत अच्छे गेंदबाज है। श्रीलंका के लिए तो आइस विकेट टेकर थे, लिस्ट में भूल गया शायद, शमी आई थिंक पहले पे थे, मधुशंका दूसरे तीसरे पे थे, जैम्पा था शायद दूसरे पे, तीसरे पे यह आया होगा। जेफ्री वंडर से 4 मैच में 12 विकेट हैं, बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 8, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 4 विकेट। अब बेहतरीन आंकड़े उस बंदे के इस टीम के अगेंस्ट। वेन्यू के ऊपर 10 मैचेस में 11 विकेट हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है, 2-2-0-4। हसरंगा इस मैच में शायद ना खेले, स्टैट्स में आपको दिए हैं, खेलता तो सब जानते हैं क्या करना है। नुएंडो फर्नांडो 3 मैचेस में 69 रन है वेन्यू पे। फॉर्म 8-50-29-20-3-36, ये भी बहुत अच्छे टेक्निकल साउंड बैटर है। अकेला धनंजय 4 मैच में 5 विकेट है, टुडे के अंदर बॉलिंग फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड के अंदर 2 मैचेस के अंदर 5 विकेट है भाई के। वेन्यू पे बेहतरीन आंकड़े, 22 मैच में 33 विकेट। फॉर्म देखो भाई का, 5-3-2-2-3-2, बेहतरीन आंकड़े। प्रमोद मधुशन थोड़े से फॉर्म से जूझ रहे हैं, वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 6 विकेटें हैं। स्टार्टिंग और मधु शंका दुश्मन था, चमीरा पहला चेंज दीक्षिणा हो सकता है या फिर दर्शन शराका, अगर पिच में थोड़ा सा हेल्प मिलता है पेसर्स को। डेथ ओवर के अंदर मधुशंका और चमीरा। क्रेग इरविन की तरफ चलते हैं, जिम्बाब्वे के कप्तान है, 18 मैच 22 की औसत है, 326 रन से भाई के। और बैटिंग फर्स्ट 12 मैचेस में 220, चेस के ऊपर 5 मैच में 106 रन और 250 है। इस वेन्यू पे आज तक कोई नहीं खेला, ये भी आपको ध्यान देना है फ्रॉम दिस टीम। सब कैंडी के ऊपर खेले हुए आधे लड़के तो, क्योंकि जब 2022 के अंदर ये टीम आई थी ना श्रीलंका टूर करने जिम्बाब्वे, तो कैंडी के अंदर जाके रुकी थी। फॉर्म 36-32-0-54 नाबाद 17-10, थोड़ा सा फॉर्म कंसर्न रहा है, देखते हैं। गुम्बिया 0 रन्स कर चुका है एटवुड में बैटिंग फर्स्ट करते हुए। ओडीआई करियर इसका अच्छा रहा है, 10 मैच में 295 रन से 29 की औसत। बताऊँ क्या करता है ये, टुक टुक बहुत करता है ये, बनाएगा 30 रन्स 70-80 गेंद के अंदर, ऐसा प्लेयर है। रिसेंटली इनके आयरलैंड के अगेंस्ट सीरीज हुई थी तो मैंने उसको ध्यान से वहाँ पे भी देखा था, इवन मैंने क्वालिफाइड्स में भी देखा था उसको, अच्छा प्लेयर है, ख़राब नहीं है। फॉर्म 72-12-72-5-28-18-34-4-13-68-0-38-63-12। फिर आपको यहाँ पे देखते हैं कठिनो, 3 मैच 87 रन है, बैटिंग फर्स्ट 42-26, चेस के ऊपर 19। इंटेंट इसका अच्छा था जब लास्ट टाइम सीरीज हुई थी आयरलैंड के खिलाफ। फॉर्म 17-9-13-28-16-19-84-42 इस तरह से रहा है। सिकंदर राजा, ये भाई साहब राजा है,
या इनके देश का, जिम्बाब्वे का, वर्ल्ड क्रिकेट का भी लगभग आप कह सकते हैं। 14 मैच, 350 रन, 6 विकेटें हैं, 38 की औसत। बैटिंग फर्स्ट 10 मैच में 238, चेस के ऊपर 4 मैच में 105। बॉलिंग के फर्स्ट 4 मैचों में 4 विकेटें हैं, बॉलिंग सेकंड के अंदर 8 मैच में 2 विकेट है। यहाँ की कंडीशंस इनको रास आ सकती हैं। फॉर्म देखें, 119 रन, 0 विकेट, 60 रन, 2 विकेट, 37 रन। ये जो भी मैच खेलते हैं उसमें चैंपियन बनने के लिए खेलते, वरना नहीं खेलते। ये जब ड्रीम टीम का सनी बनते हैं तो उनको खुद को मजा नहीं आता। रियान मुरेल 6 मैच में 63 रन, 1 विकेट है। बैटिंग फर्स्ट 9, 19, 4, 16, चेस के ऊपर 15। चेस पे ज़्यादा बैटर खेलते हैं, नंबर से बया करते हैं इसके। फॉर्म 38, 0, 36, 38, 12, ठीक ठाक प्लेयर है। टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर रेस्क्यू वाली इनिंग्स खेल के दे सकता है। मडांडे का 12 मैच में 217 रन, वेन्यू भी नहीं खेला। फॉर्म 40, 0, 33, 11, 27, 44, नाबाद 20, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर है, स्टाइलिश बंदा ये। फराज आकरम 29 मैच, 31 विकेट्स ओडीडी के अंदर, येट टू डेब्यू इन ओडीआई। फॉर्म 3 विकेट, 20 रन, 2 विकेट, 8 रन, 4 विकेट, 33 रन, 2 विकेट, अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिखा है ये। नई गेंद पकड़ता है वैसे फराज आकरम। लुक जोंगवी ये इस टीम के लिए सर्टिफाइड कोटा वाला प्लेयर है, हर सीरीज के अंदर आता है, कोई खास प्रदर्शन देखे भी नहीं जाता, बट देखते हैं। यहाँ पे शायद डेथर में बॉलिंग करने आ गया तो उनकी बॉल ग्रिप कर सकती है। 10 रन है लिक जोंगवे का। बैटिंग फर्स्ट करते हुए स्वनी के हेड टू हेड के अंदर वेन्यू पे तो नहीं खेला। फॉर्म 3 रन, 1 विकेट, 10 रन, 1 विकेट, 13 रन, 0 विकेट। माजा काटजा 4 मैचों में 1 विकेट है। फॉर्म 2 विकेट, 1 विकेट, 24 रन, बैटिंग करना जानता है। 40 रन, 0 विकेट, 1 विकेट। रिचर्ड निगरावा 4 मैचों में 7 विकेट, इनका जैसा कोई गेंदबाज नहीं है आज के टाइम पे। फॉर्म देखो, 1-1, 2-2, 2-2, 3-2, 3-1, 2, इनकी असली अग्नि परीक्षा होगी श्रीलंका में, देखते हैं कैसा कर पाता है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है जो आईपीएल खेलना डिजर्व करता है, अगर ब्लेसिंग मुजरबानी सेलेक्ट हो चुका हो तो, एज ए नेट बॉलर भी। 6 मैच में 9 विकेट हैं, बॉलिंग फर्स्ट 1 में 1, बॉलिंग सेकंड 5 मैच में 8 विकेट्स है। फॉर्म 0-1, 2-1, 2-2, 0 इस तरह से रहा है, अच्छा बॉलर है भी। टपी मोफुटजो 72 में 105 विकेट्स है, देखते हैं। टॉनी मुयांगो 7 मैच में 92 रन ओडीआई के अंदर, फॉर्म नीचे देख सकते हो, ठीक ठाक रन बनाए थे। मिल्टन शुम्बा का 9 रन है, एट टूडे के अंदर बैटिंग सेकंड करते हुए, फॉर्म नीचे देख सकते हैं, 17, 14, 0, 22, 46। टिनाशे ओडीआई के अंदर 10 मैच में 131 रन कर चुका है, रिसेंट फॉर्म भाई का बहुत अच्छा रहा, हाईएस्ट रन स्कोरर था इन गेम पे। जो सुपर 50 के मैचेस होते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंडियर टूर्नामेंट होता है 50 ओवर का, 94, 49, 1, 8, 28, 1, 39, 63, 50, इस तरह से फॉर्म रहा है। स्टार्टिंग ओवर निगरावा, मुजरबानी और पहला चेंज फराज आकरम हो सकता है अगर खेलता है तो। डेथर के अंदर फराज आकरम, मुजरबानी, निगरावा, देखते हैं मैचअप्स। पतुम निशांका को कोई खास मैचअप नहीं है, राजा ने इसको 26 बॉल में 25 रन देके 3 इनिंग्स में एक बार आउट किया है। मुजरबानी ने 67 बॉल में 61 रन देके 4 इनिंग्स में एक बार आउट किया है। अभिषेक फर्नांडो येट टू प्ले हेड टू हेड, ये फंसता है थोड़ा सा लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने, 12 इनिंग्स में 7 बार आउट हुआ है, 124 बॉल के अंदर 107 रन है। और सामने कौन होगा, निगरावा, जो श्रीलंका में भी खेल चुका है एलपीएल आके, ठीक है। कुशाल मेंडिस अगेंस्ट मुजरबानी 37 बॉल 26 रन 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। सदीरा का कोई खास मैचअप ऐसे रहा नहीं है ज़्यादा। असालंका का भी कोई खास मैचअप नहीं है। दर्शन सना का वर्सेस निगरावा 33 बॉल 19 रन 3 इनिंग्स में 1 बार आउट किया है। दोनों वेलाल गए, नुवेंदो फर्नांडो, वेरेंदो सरंगा भी मैचअप यहाँ पे दे दिया है। अब देखें क्रेग इरवाइन की बात करते हैं अगेंस्ट अखिला धनंजय, 14 बॉल 4 रन 3 इनिंग्स में 2 बार आउट हुआ है। बहुत अच्छी बैटल होगी अगर खेलते हैं अखिला धनंजय। जोलेट गुम्बिया वर्सेस मधुशंका, 1 बार आउट किया इसको पहली बॉल के ऊपर। कटिनो वर्सेस जेफरी वंडर से 6 बॉल 4 रन 3 इनिंग्स में 3 बार आउट किया। दिस इज द एपिक बैटल टू वॉच आउट। राजा का कोई खास मैचअप नहीं है, देखते हैं क्या कर पाता है इस सीरीज के अंदर, अग्नि परीक्षा होगी इनकी। रियान बुरेल वर्सेज शनाका, दशुन थिक्षिणा, वंडरसन एक एक बार आउट किया है। वंडरसन के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था जिम्बाब्वे ने 2022 के अंदर जो सीरीज हुई थी उस टाइम पे भी। क्लिव मडांडे वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर 6 इनिंग्स में 3 बार आउट हुआ है। लुक जोंगवी का भी आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेयर्स के सामने मैचअप रहा है इसका, एक एक बार आउट हुआ है। और अब देखें टीम्स लेफ्ट आर्म पेसर को कैसा खेली है सिंस 2020 में इन ओडीआई, तो आप देखेंगे जो जिम्बाब्वे है उसने 51 विकेट दिए हैं 23 मैचेस के अंदर 2021 से लेकर अभी तक, 21 की औसत है। वहीं जो दूसरी टीम है श्रीलंका
उसने भी 31 मैच के अंदर 68 विकेट दिए हैं, इनको भी बहुत दिक्कत औसत 24 की है। दोनों टीम्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर स्ट्रगल करती है। लेग स्पिन की बात करते जिम्बाब्वे को बहुत दिक्कत आती है, 16 मैचेस के अंदर 33 विकेट दिया, सबसे कम औसत है 20 की, और सामने वंडर से खेल सकता है, चांसेस है। श्रीलंका अगेंस्ट लेग स्पिन अच्छा खेली है, 32 की औसत है, कोई खराब आंकड़े नहीं है इनके। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर वर्सेज जिम्बाब्वे दिक्कत आती है, 19 मैचेस के अंदर 35 विकेट दिया, 26 की औसत है, नॉट दैट पुअर, अच्छे नंबर से इतने खराब भी नहीं है। श्रीलंका वर्सेज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन 32 की औसत है, 59 विकेट दिया हुआ है। चाइनामैन भी आएगा इसमें, बट चाइनामैन आपको शायद ना दिखे सीरीज के अंदर कोई। ऑफ स्पिन वर्सेज जिम्बाब्वे 28 के अंदर 43 विकेट दिया है, 33 की औसत है, मच बेटर। श्रीलंका भी ऑफ स्पिन को सही खेलती है। और बिग बैश लीग चल रही है भाई साहब, लीडर बोर्ड उसके अंदर 1 करोड़ रुपए की पार्टिसिपेट कर लेना इन्वेस्टमेंट वाली। पहले रैंक पे आपका एमजी, दूसरे पे हुंडई, तीसरे पे महिंद्रा, ऐसे करते करते बहुत सारे प्राइजेस मिल जाते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। कॉमन कैप्टन राजा दोनों फिलहाल गए, पहले जाना तो मधुशंका को ट्राई करिए, पतुम निशांका, मैंडिस निगराओ, अभी कैन बी द प्लेयर टू वॉच आउट। चलते हैं टीम्स की तरफ। तो फिलहाल मैंने वाइस कैप्टन किया है यहाँ पे मधुशंका को, आप चाहे तो उसको कैप्टन कर सकते हो मधुशंका को, और राजा कैप्टन है, और मैंडिस टीम में सदीरा है, निशांका है, रियान बुरेल ऐसे मैंने 11th प्लेयर लिया, आप इसको छोड़ के किसी और को ले सकते हो। ये दो प्लेयर्स आपके पास खुले ऑप्शन है, रियान बुरेल और दुश्मंता चमीरा, ये दो प्लेयर्स के बिल आप किसी को भी ले सकते हैं। निगराव एक अच्छे पिक रहेंगे, फिर से थ्रेट रहने वाले नई गेंद से, फिर आपको तिक्षणा दिखते हैं, वंडर से अगर खेलता तो रख लूँगा, या फिर अखिला धनंजय, दोनों में से कोई खेलना चाहिए, वंडर से या फिर अखिला धनंजय, जो खेलेगा मेरी टीम में रहेगा। अब देखें कीपिंग सेक्शन के अंदर तीन प्लेयर्स आते हैं, वैसे चारों ही खेलेंगे जितना मुझे लग रहा है, गुम्बिया और मडांडे, मैंडिस और समरविक्रम साथ में खेलते हैं हमेशा। रोटेट करना हो तो मडांडे को रोटेट कर सकते हैं कुछ टीम्स के अंदर, जुम्बिया के ऊपर थ्रेट होगा स्पेशली मधुशंका का, और शंका पैदा करेंगे वो। निशांका इंपॉर्टेंट, केएल गिलवान का सिर्फ 250 18 मैचेस में चलने का रेशियो गया है 1/9, वो 9 में से 1 मैच में चले सिर्फ, तो बेटर आप किसी ऐसे प्लेयर को पिक करो जो आपको कहीं ना कहीं से वैल्यू दे जाए। ये 20-30 रन करेगा या 30 रन भी कर गया तो आपको मुश्किल से 35-40 पॉइंट मिलेगा, वो एक बॉलर एक बॉल डाल के लेके जा सकता है, ऑलराउंडर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके आराम से ले जाएगा इतने पॉइंट्स। तो रिस्कन के साथ रियान बुरेल, थोड़ी बहुत बॉलिंग करनी चाहिए इस मैच में, और बैटिंग तो खैर इनकी हमेशा बहुत डिसेंट रही है, इतने खराब प्लेयर नहीं है, देखते हैं। असालंका रोटेटेबल प्लेयर है, बहुत प्यारे प्लेयर है ये भी, आवश्यक फर्नांडो कैन बी बिग थ्रेट फॉर द टीम्स, जिस तरह के इसकी टेक्निक अंदाज है खेलने का, बढ़िया विकेट फेंक जाता है ये, थोड़ा सा रिस्क लेके खेलता है कभी कभार क्रिकेट, आपने उसको देखा होगा ध्यान से, 2019 का वर्ल्ड कप भी इनके नाम रहा था, बहुत अच्छा खेला था वहाँ पे, कुछ मैचेस के अंदर शतक आया था इसका, तो बहुत अच्छा प्लेयर है, रोटेट कर सकते हैं। कुमाने के तो आपका कॉल रहेगा, और कठिनों एक आध दो टीमें रोटेट कर लेना, ग्रैंड लीग एकदम अलग खेल रहे हो तो। राजा इंपॉर्टेंट, नसरंगा ना खेलेंगे इस मैच में, शना का आप रोटेट कर सकते हैं, वेला लाइक इंपॉर्टेंट होगा, वेला आलगे, मधुशंका इंपॉर्टेंट, निगरावा इंपॉर्टेंट, थिक्शन है, सब कॉल हो ही चुका है। मुजरबानी ले सकते हो आप बॉलिंग फर्स्ट में भी, वैसे इसके आंकड़े हमेशा बॉलिंग सेकंड में बेटर रहे, बट बॉलिंग फर्स्ट में डेप्थ में डालने आएगा, वेरिएशंस करेगा, बॉल ग्रिप कर सकती है इनकी। अखिला धनंजय या जेफ्री वंडर से जो खेलता है तो रोटेट करिए, दोनों को खेलते हैं तो दोनों को रखो टीम के अंदर, मैं सीधी बात कहूँगा, या दोनों में से एक बंदा खेलता है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट मार के जा सकता है मैच में। लुक्स वांगवी अच्छा प्लेयर होगा रोटेट करने के लिए, बिकॉज बॉलिंग इसने थोड़ी कम करी है रिसेंटली, अगर ये बॉलिंग करता है तो उसका रोल और बढ़ जाएगा। देखते रहिए स्टैट्स, मुझे मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर। लव यू गाइस, सुन जय हिंद।